ॐ नमस्तुदेव्यः ॐ नमस्तुदेव्यः ॐ नमस्तुदेव्यः अहिंसा परमो धर्म की महावीर भगवान की प्रातस्मरणी परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। बंधुओं, यह पावन प्रसंग आपके सामने से गुजर रहा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि काल किसी को रोकता नहीं। काल के माध्यम से यह परिणमन होता रहता है और आषाढ़ सुदी 14 के दिन इसी वंडा नगरी में वर्षा योग की स्थापना गुरुदेव के मंगल आशीष के द्वारा यह संपन्न हुआ है और चातुर्मास संपन्न होकर के भी लगभग 12 दिन हो चुके हैं। आपको ध्यान देना चाहिए, वीर निर्वाण महोत्सव दिवाली मनाई आप लोगों ने और वर्षा योग के निष्ठापन के उपरांत या पिछी का परिवर्तन सैमो उपकरण जिसको बोलते हैं उस परिवर्तन को भी आपने देखा है और एक नया इतिहास को बंडा के समाज ने रचना की है, इतिहास को रचा है और इस इतिहास को रचने के लिए गुरुदेव का मंगल आशीष अपेक्षा थी उसकी और उनके उन्होंने अच्छे दोनों हाथों से आप लोगों को आशीष प्रदान किया था और जिनालय भव्य जिनालय का निर्माण आप लोग करने जा रहे हैं और त्रिकाल 24 भी उसमें शामिल है। विदेह क्षेत्र संबंधी भी 20 तीर्थंकरों की प्रतिमाओं की स्थापना भी आप करने जा रहे हैं और बड़ी प्रतिमाएं जो बोल नाय के रूप में शांति कुंत अरह और चंद्र प्रभा और मुंश व्रत और एक और सुना था हमने ध्यान केंद्र के रूप में एक गर्भगृह के रूप में मंदिर की रचना वहां पर हो रही है और उसमें एक भव्य प्रतिमा भी स्थापित की जा रही है और वो भी बहुत अनूठी प्रतिमा रहेगी। हमने सुना था कि आचार्य महाराज का मन ये था, बताते लोगों ने सुनाया है कि वर्तमान में जो चांद खेड़ी है उसका रूप देने का मन है और उस प्रतिमा को स्थापित करने के लिए पवित्र भावना किसने बनाई है। मंच पर आए थे आप लोगों को ज्ञात है क्या है? इसी बंडा नगरी के जो नीरव सागर जी महाराज आचार्य महाराज से दीक्षित हुए 2013 में रामटेक में उनका चातुर्मास खुरई में संपन्न हुआ शंभो सागर जी के साथ और उन्हीं के ग्रह जीवन के वो भ्राता है और उन्होंने यहाँ पर पवित्र भावना को जागृत किया और उन्होंने लाभ ले लिया। इस प्रकार बड़े बड़े प्रतिमाओं के साथ त्रिकाल 24 और विदेह क्षेत्र संबंधी भी 20 तीर्थंकरों की स्थापना करने जा रहे हैं। इसके साथ साथ ये एक मंदिर की बात हो गई और
जो बड़ा मंदिर है, आप ही लोग बोलते हैं बड़े मंदिर, और सब जगह होते हैं बड़े छोटे से कोई प्रयोजन नहीं, लेकिन फिर भी व्यवहार की दृष्टि से कहने में कोई बाधा नहीं है। और वहां पर भी भविष्य, निकट भविष्य में ही उस मंदिर को भी नए सिरे से निर्माण करने का भाव आप लोगों के मन में हुआ है, और उसके लिए भी कुछ जमीन आदि को लेकर के जो समस्या थी वह समस्या की पूर्ति भी कर ली गई है। थोड़ा वो जो शेष बचा हुआ है वो भी इन्हीं लोगों के माध्यम से उसकी पूर्ति होगी, और वहां पर भी रजत चौबीस का निर्माण किया जा रहा है, और मूल नायक पार्श्वनाथ, नेमिनाथ और महावीर, इस प्रकार तीन प्रतिमाओं की स्थापना जो कि रजत के रूप में होगी। इस प्रकार ये सारे सारे भाव आप लोगों ने पवित्र भाव संजो करके रखा है। ये सारे सारे भाव जो हो रहे हैं आप ध्यान देंगे, ये भाव भव भव में भी होना दुर्लभ है, क्योंकि हमने कई बार तत्व चर्चा के दौरान प्रवचन के प्रसंग में भी इस बात को रखा है कि संसारी प्राणी संसार में पुण्य का अर्जन करता है, किंतु उस पुण्य का सदुपयोग करने के लिए विशिष्ट चाल से पुण्य की आवश्यकता पड़ती है। पुण्य का अर्जन करके संपदा जो मिलती है वह संसारी प्राणी अज्ञान के कारण सांसारिक क्षेत्र में उसका उपभोग कर लेता है, किंतु शास्त्रीय पुण्य जिसके अंदर उदय को प्राप्त होता है वह सारे सारे संपदा को उपेक्षा के दृष्टि से देखते हुए और उस पुण्य के फल का सदुपयोग बड़े बड़े जनालय और प्रतिमाओं को स्थापित करने के लिए उस पुण्य का उपयोग कर रहे हैं। इससे बढ़कर के और कौन सा पवित्र पावन प्रसंग होगा। समय काफी हो चुका है, 2 बजे यहाँ पर आ चुके थे लगभग, और 3 घंटे तक इस विषय को या इस प्रसंग को, इस दृश्य को आप लोगों ने देखा है। वर्णन करने के लिए काफी समय चाहिए, किंतु वर्णन करने की आवश्यकता मैं नहीं समझता हूं, क्योंकि जिन्होंने अपने जीवन को प्रयोग का रूप दिया है उसको वर्णन करने की क्या आवश्यकता है। प्रयोगात्मक धर्म होता है, अहिंसा परमो धर्म की जय बोलने वालों की संख्या कम नहीं है, किंतु अहिंसा धर्म को आत्मसात करने वालों की संख्या विरल हुआ करती है, जो आज बंडा नगरी में उस दृश्य को आप देख रहे हैं। ज्यादा मैं कहना नहीं चाहता, इस कार्य को प्रारंभ किया है ये ध्यान रखें, इस कार्य को पूर्ण रूप देने के लिए आपको कटिबद्ध होना पड़ेगा। ऐसा नहीं महाराज जब तक यहाँ पर उपस्थित है तब तक जो आगे पीछे और दौड़ लगाओ, ऐसा नहीं, किंतु इस कार्य को निरंतर गति देते हुए अल्पकाल में इसको पूर्ण रूप देना चाहिए। ये दोनों मंदिर निर्मित होंगे और अद्वितीय उस मंदिर को देखते हुए और गुरुदेव का पदार्पण होगा तो कहना ही क्या है, है? हाँ, शादी का श्रम, इस श्रम करने का ही परिणाम है, ध्यान रखो। वो साधना कर रहे उनके लिए भी गुरुदेव का ही आशीर्वाद मिल चुका है। इस प्रकार यहाँ पर बंडा नगरी में जिसको वृति नगरी कह सकते हैं इसमें कोई बाधा नहीं, यहाँ से मुनि दीक्षा भी यहाँ से हुई, यहाँ से हुई मतलब यहाँ के जो दीक्षार्थी रहे उनकी दीक्षा हुई, आरिका भी हुई और भी शुल्लक भी हुए हैं, और इसके साथ साथ
ब्रह्मचारी भाई और ब्रह्मचारिणियों की संख्या कितनी है मुझे ज्ञात नहीं है, अनगिनत है ये, और पता नहीं भविष्य में और कितने कितने निकलते चले जाएंगे। और वर्तमान में प्रतिभा स्थली में प्रतिभा मंडल की बहनों की संख्या भी काफी हद तक पहुंच गई है, उसमें से कितनी बहनें यहाँ की हैं मुझे कोई भी जानकारी नहीं, बहुतायत यहीं की हैं, क्योंकि सारे सारे बुंदेलखंड की ही ये देन है, इसलिए बुंदेलखंड में ये बंडा नगर है। और हमने पहले भी कहा था कि गत वर्ष भाग्योदय सागर में वर्षा योग की स्थापना की थी, उस समय कहा था बगल में बंडा है, और हम ये कहना चाहते हैं अब बगल में सागर रह गया है। हाँ, सब आसपास है, वहां पर भी पिछले साल गुरुदेव के आशीर्वाद से संपन्न हुआ था, वहां पर भी इसी प्रकार उद्गार व्यक्त करते हुए, और जो महान जिनालय का निर्माण हो रहा है सर्वतोभद्र, वहां पर भी वहां के समाज ने काफी दान के माध्यम से अपने जीवन को सार्थक बनाया था और बनाते चले जा रहे हैं। इसी प्रकार आप लोग भी भीतर से सारे सारे भाव जो अव्यक्त थे वो सारे सारे भावों को उद्घाटित किया है, और इसी प्रकार और उद्घाटित करते चले जाएं, क्योंकि इसी प्रकार ये सारे सारे जो आयतन है इनके माध्यम से ही भावों को उज्जवल बनाया जा सकता है, क्योंकि देव गुरु शास्त्र के आराधना के माध्यम से श्रद्धा में जिसको आस्था बोलते हैं उसके स्तर बढ़ते ही चले जाते हैं, बढ़ते ही चले जाते हैं। देव गुरु शास्त्र की आराधना करना खेल नहीं बंधुओं, क्योंकि दुकान मकान तो अनादि काल से चला आया है, चलता रहेगा। ये दुकान मकान भी आपके चलेंगे, चलाने की कोई आवश्यकता नहीं, किंतु देव गुरु शास्त्र को भूलना नहीं चाहिए और निरंतर अपने हृदय में देव गुरु शास्त्र को विराजमान करते हुए आराधना करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा भविष्य भी उज्जवल रहेगा। इसलिए रहेगा कि वर्तमान में जिन्होंने अपने जीवन को उज्जवल बनाने का प्रयास किया है या कर रहे हैं उनका निश्चित रूप से भविष्य उज्जवल ही होगा, यह भी एक आस्था का ही विषय है। इसलिए आस्था के माध्यम से ही इस जीव का विकास होता है, उत्थान होता है और आत्मोन्नति के लिए इसी प्रकार बार बार धार्मिक अनुष्ठानों के माध्यम से अपने जीवन को उन्नति की ओर ले जाने का प्रयास करना चाहिए। समय काफी हो चुका है, अन्य और कोई भी समय मिलेगा उस समय शेष जो भाव है उनको भी उद्घाटित किया जा सकता है, इतना ही पर्याप्त है। अहिंसा परमो धर्म की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख शुद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने त्वाम वंदमानस्य ममास्तु देव। परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की।